दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज हब में। दोस्तों आज है 9 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम इस वीक के सारे करंट अफेयर को देखेंगे। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 6G विकास का पता लगाने के लिए 4 टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन ए DOT, ऑप्शन बी DOTD, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए DOT। नेक्स्ट, हाल ही में MOPNG ने भारत के लिए ऊर्जा संक्रमण रोड मैप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति का गठन किया? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी तरुण कपूर, ऑप्शन सी सुनीत शर्मा, ऑप्शन डी उमेश सिंह। इसका सही ऑप्शन है बी तरुण कपूर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जेम्स डी वाटसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अश्विनी कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्री ने 27 सीमा अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी खाद्य मंत्री, ऑप्शन सी सड़क परिवहन मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। इसका सही ऑप्शन है डी रक्षा मंत्री। नेक्स्ट, हाल ही में paisabazaar.com और किस बैंक ने साथ मिलकर पर्सनल लोन लेने के लिए प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी RBI। इसका सही ऑप्शन है सी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, सेबी ने किसकी अध्यक्षता में मार्केट डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी एस साहू, ऑप्शन सी श्री UK सिन्हा, ऑप्शन डी श्री CB भावे। इसका सही ऑप्शन है एस साहू। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को निलंबित कर दिया गया, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। इसका सही ऑप्शन है सी सोमालिया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फ्रीगेट और सबमरीन में नई हाइपरसोनिक तिस्कर कोण मिसाइल का परीक्षण किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। इसका सही ऑप्शन है डी रूस। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व क्रिकेट कप्तान रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया, या किस देश के क्रिकेटर थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। इसका सही ऑप्शन है बी इंग्लैंड। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी दो चालकों रहित मेट्रो लाइनें कहां पर बनी हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही ऑप्शन है सी चीन। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है डी निम्फ, निप्पान इंडिया म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति की पहली वर्षगांठ मनाई? ऑप्शन ए PGCIL, ऑप्शन बी ISB, ऑप्शन सी DOT, ऑप्शन डी SEBI। इसका सही ऑप्शन है PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के PM अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के बीच इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है ए सूडान। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी सूडान। इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में टेक महिंद्रा ने एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट LLC में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 70%। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 100%। नेक्स्ट, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी?
ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी यूपी मेरठ, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मेरठ। नेक्स्ट, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लद्दाख। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार से प्रेषण के लिए किस बैंक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी SBI बैंक। इसका सही ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए अर्जुन कुमार, ऑप्शन बी पंकज मित्तल, ऑप्शन सी संजय अरोड़ा, ऑप्शन डी हरि कुमार। इसका सही ऑप्शन है सी संजय अरोड़ा। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 6 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही ऑप्शन है बी 4 जनवरी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे NMCG का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव रंजन, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी जी अशोक कुमार। इसका सही ऑप्शन है डी जी अशोक कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में ONGC ने किसे अपनी पहली महिला CMD नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अलका महेश्वरी, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन सी अलका मित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी अलका मित्तल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2021-22 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए DP मथुरिया, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी विनोद कुमार। इसका सही ऑप्शन है बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य कौन बना? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। इसका सही ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में आवर्ती बिल को जमा करने के लिए UPMS किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए NBIC, ऑप्शन बी ASME, ऑप्शन सी NEAT, ऑप्शन डी NBBI। इसका सही ऑप्शन है डी NBBI। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रिपल, ऑप्शन बी क्रिप्टो वायर, ऑप्शन सी BTC, ऑप्शन डी ATS। इसका सही ऑप्शन है बी क्रिप्टो वायर। नेक्स्ट, हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी सैमसंग। इसका सही ऑप्शन है सी एप्पल। नेक्स्ट, हाल ही में NEAT 3.0 और AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकें किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही ऑप्शन है बी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानियो का निधन हो गया, यह किस देश के खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी जॉर्जिया। हाल ही में किसने CSIR NPL के 75वें प्लेटिनम जुबली वर्ष का शुभारंभ किया? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी डॉक्टर अशोक पी गिरी, सी डॉक्टर सरकार धीमन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, यह कहाँ पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी त्रिपुरा। इसका सही ऑप्शन है सी त्रिपुरा। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2022 तक उजाला ने कितने बिलियन किलोवाट प्रति घंटा प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की है? ए 50 बिलियन, बी 48 बिलियन, सी 47 बिलियन, डी 45 बिलियन। इसका सही ऑप्शन है बी 48 बिलियन। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने किस बैंक को अनुसूचित भुगतान बैंक का दर्जा दिया? ए PPBL, बी AT पेमेंट बैंक, सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डी फिनो पेमेंट बैंक। इसका सही ऑप्शन है डी फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट,
हाल ही में सैटेलाइट ब्रांड बैंड सेवाओं की पेशकश के लिए SCIPL के साथ किसने साझेदारी की है? ए जियो, बी एयरटेल, सी वोडाफोन, डी AB दोनों। इसका सही ऑप्शन है बी एयरटेल। हाल ही में बेस्ट ऑटोमेशन के लिए UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? ऑप्शन ए RBI, बी IPB, सी SBI, डी साउथ इंडियन बैंक। इसका सही ऑप्शन है डी साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में अंक ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने जीता है? ए एस साहू, बी अश्विनी कुमार, सी JC चौधरी, डी किरण गौरव। इसका सही ऑप्शन है सी JC चौधरी। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर के रूप में नियुक्त किया है? ए PB सिंधु, बी शेफाली वर्मा, सी आमिर खान, डी सोनू सूद। इसका सही ऑप्शन है बी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है या कहाँ के क्रिकेटर हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, बी धीरेन्द्र झा, सी अरुणव सिन्हा, डी जयंत घोषाल। इसका सही ऑप्शन है बी धीरेन्द्र झा। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी भूपेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राजेश गोपाल, ऑप्शन डी राजीव कुमार। इसका सही ऑप्शन है ए भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, हाल ही में IHU नाम का नया कोरोना वायरस संस्करण कहाँ खोजा गया? ऑप्शन ए इटली, बी चीन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। इसका सही ऑप्शन है सी फ्रांस। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन बी विजयपाल शर्मा, सी दीपक कुमार, डी अजय चौधरी। इसका सही ऑप्शन है बी विजयपाल शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व अनाथ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 6 जनवरी, बी 7 जनवरी, सी 6 नवंबर, डी 6 मार्च। इसका सही ऑप्शन है ए 6 जनवरी। नेक्स्ट, हाल ही में शिलांग चैम्बर ट्वेट के संस्थापक और प्रसिद्ध संगीत वादक नील नोंगे किनी का निधन हो गया, या किसके संगीत वादक थे? ऑप्शन ए तबला, बी गिटार, सी बांसुरी, डी पियानो। इसका सही ऑप्शन है डी पियानो। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गेल इंडिया स्वच्छ ऊर्जा की परियोजना के लिए IPICUL के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल, डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार में वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने के लिए किस ग्रुप के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए नेस्ले, बी पेप्सिको, सी JBS, डी लुलु ग्रुप। इसका सही ऑप्शन है डी लुलु ग्रुप। नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा के किस जिले में अपने आप को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? ऑप्शन ए पुरी, बी गंजम, सी संबलपुर, डी कटक। इसका सही ऑप्शन है बी गंजम। नेक्स्ट, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने टैक्स बचाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी SIB। इसका सही ऑप्शन है सी SBI। नेक्स्ट, 25वां युवा महोत्सव की मेजबानी कौन सा केंद्र प्रशासित प्रदेश करेगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुदुचेरी। इसका सही ऑप्शन है डी पुदुचेरी। नेक्स्ट, हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किससे मुकाबला करने के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत।
इसका सही ऑप्शन है बी चीन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और 5 अन्य देशों ने किसकी नौसेना के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 22 शुरू किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका सही ऑप्शन है सी अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी केरल। इसका सही ऑप्शन है ए हैदराबाद। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्किम ने अपना कौन सा त्यौहार मनाया है? ऑप्शन ए नामसूंग, ऑप्शन बी लोसार, ऑप्शन सी लोसूंग, ऑप्शन डी ए सी दोनों। इसका सही ऑप्शन है डी ए सी दोनों। नेक्स्ट, हाल ही में राजनयिक झांगमिंग को कहाँ के SCO के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिज, ऑप्शन डी तिब्बत। इसका सही ऑप्शन है चीन। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? ऑप्शन ए आनंद विश्वनाथन, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी हाओ वांग, ऑप्शन डी नोदिरबेक अबू सत्तारो। इसका सही ऑप्शन है डी नोदिर अबू सत्तारो। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक और LNG गठबंधन ने कहाँ का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन है बी कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश में त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही ऑप्शन है ए श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। इसका सही ऑप्शन है सी फ्रांस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है बी गुजरात।